हमारे पास यहाँ ये वेइंग मशीन है बच्चे हमारे पास, और ये बच्चे रीडिंग है, और अब ये पर्सन जो है बच्चे इस वेइंग मशीन में ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है। जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, एन इसके ऊपर लग रहा है, एम जी इसके ऊपर लग रहा है, ये वेइंग मशीन पे कौन सी फोर्स लगाएगा, एम जी लगाएगा कि एन लगाएगा बच्चे बताओ जरा। अब इस आदमी की मोशन है ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये आदमी बच्चा हमारे पास ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू आया ना सपोर्ट माइनस अपोज, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो बताओ एन किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, एम जी प्लस ऑफ एम, तो एन बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एम जी प्लस ऑफ एम, तो एन बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, एम जी प्लस ऑफ एम, मेरी बात को समझ पाए, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा, एन जी अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे आपके पास, एम ए बच्चे हमारे पास आ जाएगा, तो ये चीज है बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो कि हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओके, कोई डाउट तो नहीं रहा। अब बच्चे हमारे पास एक और बात ध्यान रखना, ऊपर एक्सेलरेट होना और नीचे बच्चे डी एक्सेलरेट होना, रिटार्ड होना बच्चे, ये दोनों चीजें बच्चे आपके पास सेम हो जाएगी। अगर आप नीचे रिटार्ड होते हो तो आप क्या लिखोगे, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एम ए, यही चीज है, यही चीज है। अगर आप लिफ्ट के ऊपर बैठे हुए हो और लिफ्ट सडनली नीचे एक्सेलरेट कर जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो। अगर बच्चे आप लिफ्ट के ऊपर बैठे हुए बच्चे हमारे पास और लिफ्ट सडनली नीचे एक्सेलरेट कर जाए और बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को रिटार्ड कर जाए, दोनों का मतलब सेम, ये बच्चे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है एन, और नीचे की तरफ को मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, एम जी आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास यहाँ पर, इसके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें बच्चे, अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ पर इसका फर्दर, जिसको हम बोल सकते हैं फर्दर, क्या आपके पास इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप बोलोगे एम जी माइनस ऑफ एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस ऑफ एन। याद रखना यहाँ पर वेट की रीडिंग बढ़ गई, रीडिंग बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज होगी, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास रीडिंग क्या होगी, शाबाश बोलो बच्चे, यहाँ पर रीडिंग बच्चा हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऊपर बच्चे रीडिंग इंक्रीज होगी है और नीचे रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, जब ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है या ऊपर रिटार्ड कर, क्योंकि आदमी जो भी मेजर करेगा बच्चे वो हमारे पास क्या मेजर करता है, नॉर्मल। अगर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल तुम्हें पता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यहाँ पर उसने गड़बड़ की नॉर्मल रिएक्शन के अंदर, और बच्चे वो फॉल्ट है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, बच्चे वो क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत है, और वो गलत इस सेंस में बच्चे क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन को देखना भूल गया। गलती बच्चे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत इंसान है, मतलब गलती मुझसे भी हो सकती है, यानी कि वो गलती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और आप बार बार लेटर लिखते हो लेकिन वो कोई इस पे एक्शन नहीं लिखते, बात यहाँ पर आ जाती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। चलो खैर, यहाँ पर बच्चे लास्ट पॉइंट, अगर बच्चे हमारे पास ये एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाए, जी के बराबर, तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, और फ्री फॉल के अंदर नॉर्मल रिएक्शन जीरो, यानी कि आपके वेट की रीडिंग, आपका मास नहीं जीरो हुआ, वेट की रीडिंग जीरो आ गई, आपका कॉन्टेक्ट लूज हो गया, यानी कि बच्चे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ये चीज हो गई। आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी काम नहीं कर रही है इसलिए एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहे, ऐसा कहीं नहीं, ग्रेविटी कहीं जीरो नहीं हो सकती है बच्चे, ग्रेविटी हर जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन फिर वो पर्सन फ्लोट होते हुए कैसे नजर आ रहे हैं आपको, उस पर्टिकुलर बच्चे हमारे पास आईएसएस के अंदर, एक्चुअल के अंदर जो हमारा आईएसएस है पठानकोट से भी नजर आता है, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है इसके, ये बच्चे अर्थ के ऊपर लगातार गिर रहा है, ये अर्थ के ऊपर बच्चे गिर रहा है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
ये सर लिफ्ट की तरह अर्थ के सेंटर की तरफ को गिर रहे, लेकिन बच्चे कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर पहुंचती है तो अर्थ क्या होती है, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर जाती है। और ये बच्चे एक ऐसे टारगेट को हिट करना चाहती है, ये एक ऐसे टारगेट को हिट करना चाहती है जो कि मूव कर रहा है, तो फिर ये गोल घूमकर बच्चे हिट करने की कोशिश करती है, पर टारगेट हिलता जा रहा है और इस चक्कर में इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर है और अंदर जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका नॉर्मल रिएक्शन जीरो है और आपको ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रहे हैं जैसे वहां पर ग्रेविटी नहीं, बट एक्चुअल के अंदर वहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेजेंट है और ग्रेविटी की वजह से ही बच्चे हमारे पास वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। ठीक है बेटा, पर सर वो तो स्पेस में है, तो स्पेस में तो नहीं होती है ग्रेविटी फिर। ये मिसकंसेप्शन है बच्चे, मेरा काम आपको सही बात बताना, सही फिजिक्स की बात बताना बच्चे। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि आपके इंटरनेशनल, हम क्योंकि बोलते थे स्पेस, आपको अगर मैं बोलूं बच्चे कि ग्रेविटी क्या चीज है तो आपको बताऊं बच्चे, आइंस्टाइन की वर्डिंग्स में द ग्रेविटी इज द रैप ऑफ द स्पेस एंड टाइम। जब बच्चे स्पेस डिफॉर्म होने लगता है, जब स्पेस में डिफॉर्मेशन आती हैं बच्चे, तो आपको ग्रेविटी समझ में आती है। जब स्पेस जकड़ने लगता है किसी को, स्पेस बच्चे आपके अब कर्वेचर बनाता है, कहीं पर कर्व बनाता है, तो वहां पर बच्चे हमारे पास ग्रेविटी आती है। ग्रेविटी कभी जीरो नहीं हो सकती, अगर मेरे बच्चे ग्रेविटी जीरो होती तो हमारी गैलेक्सी ऐसी ही रहती कि डिफरेंट हो जाती, जरा बता बच्चे मुझे, ये ऐसी रहती कि डिफरेंट हो जाती, जरा बता बच्चे मुझे, बोल शाबाश, है ना। हमारे हम सन के साथ किस वजह से जुड़े हुए बच्चा, जरा बता मुझे, हम सन के साथ किस फोर्स से जुड़े हुए बच्चे, बता जरा मुझे, हम सन, बोल जवाब दे, घबरा बच्चे, हम ग्रेविटी की वजह से। और बच्चे सन और हमारे बीच में क्या चीज है बच्चे, सन और हमारे बीच में क्या चीज है, स्पेस है। तो बेटा अभी हम बोल रहे हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, तो सन और अर्थ के बीच में भी तो स्पेस है ना बच्चे, तो ग्रेविटी तो है बच्चे हमारे पास, क्यों नहीं है ग्रेविटी बच्चे, ग्रेविटी हर जगह पे, मून और हमारे बीच में भी है। एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया जब रशियन बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं बेटा, तभी तो हम बोलते हैं कि एरिडोव की बुक पढ़ो भाई साहब, जितनी टेक्नोलॉजी है, एलन मस्क ने जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, आपको पता है वो रशिया से बुक्स लेके आकर उसने पढ़ के टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ये जितनी भी रॉकेट साइंस की, पता आपको, ये एलन मस्क रशिया गया था, रशिया के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। बस वही चीज है, कंट्री जो होती है बच्चा हमारे पास, हमारे वो किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, कल्चर क्या है उसका, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से बच्चे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है कई लोग जो काम, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं बच्चे, जो कोई डाटा साइंटिस्ट है, कोई वेदर साइंटिस्ट है, कोई बच्चे सन लेबोरेटरी के अंदर है, कोई न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये पर्सन नहीं काम, मैंने उनसे बोलते बोलते यहाँ पर एनवायरमेंट ही नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बेकार है। पर बच्चे अगर बच्चे, ये चलो अब हम थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रहे हैं, क्योंकि आप भी ग्रो कर रहे हो, आपकी भी उम्र 18 साल होने वाली है, आप भी सोचोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो बेटा ये पता लगा कि जब आप नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ ऐसा काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, ध्यान से देखना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को भी बताएगा, एक ऐसा काम करते हैं यहां से एक रॉकेट को छोड़कर। अब आपका रॉकेट सीधा नहीं जाता है, पता बच्चे, जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हो तो रॉकेट ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, पता बच्चे आपको, जब ये यहाँ पर टेढ़ा हो, अब देखो बच्चे टेढ़ा हो जाता है, यहाँ पर बच्चे वो चीज है जिसको आप स्पेस में छोड़ना चाहते हो, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लग रही है बच्चे, बताओ जरा, नीचे की तरफ। और बच्चे आप इसको यहाँ पर ब्लास्ट करके परपेंडिकुलर वेलोसिटी देते हो, ये बच्चे नेचर का नियम है, अगर आपके ऊपर एक फोर्स लग रही है और आप एक वेलोसिटी देते हो और ये फोर्स और वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो आपकी मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। और इस वजह से बच्चे हमारे पास अब ये यहां से इस पे गिरने की कोशिश करते हैं, अगर, और इसमें हाइट भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप छोटी हाइट पर जाकर छोड़ोगे तो क्या करेगा, ऐसे अर्थ पे गिर जाएगा। अब इसको एक ऐसा टारगेट मिला बच्चे जहां पर इसने जाकर हिट करना, लेकिन जब तक ये यहां पर पहुंचता, टारगेट कहां पर पहुंच चुका था बच्चे आपके पास, यहां पर, तो ये टारगेट, अब फोर्स लग रही है, ये टारगेट को पकड़ने के चक्कर में बच्चे ये नीचे गिर गया,
एक्चुअल में ये अर्थ के सेंटर की तरफ को गिरना चाहती है। वैसे जैसे अभी अगर हम छलांग लगाएंगे, अगर आप घर पे आपके बच्चे सीढ़ियां, बच्चा आपके घर पे हाँ या ना बेटा ऐसे yes, है ना, और बच्चे फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप पे नीचे लगती है ऐसे। अब बताओ कि अगर आप यहां से अपने आप को सामने की तरफ वेलोसिटी देते हो, आप कहां पर जाओगे बच्चे? आप हवा में उड़ जाओगे, आप पीछे चले जाओगे, आप स्ट्रेट लाइन में जाओगे, या फिर आप ऐसे करके इसको हिट। अब बच्चे मान लो कि जैसे आप यहां पर गिरने लगे, ये बच्चे सीढ़ियों का स्ट्रक्चर आगे चला गया और आप पे बच्चे ये कोई फोर्स लगा रहे, तो बच्चे आप क्या करोगे? इसको पकड़ने के चक्कर में बच्चे इसके पीछे गोल घूमना स्टार्ट करोगे। तो जब आपने यहां से छलांग लगाई तो आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर थी? जी के बराबर। ऐसे बच्चे वो जो स्पेसशिप है उसका जो फ्लोर है बच्चे हमारे पास, वो भी बच्चे जी से नीचे गिर रहा है, और उसके अंदर जो आदमी है बच्चे हमारे पास, वो भी जी से नीचे गिर रहा है। इस वजह से यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाती है? जीरो। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब ग्रेविटी है। ये अब मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए। कल को आप दो लोगों के सामने जाके जब बोलोगे ना, अगर उनको नॉलेज होगी दे विल बी इंप्रेस्ड। वो बोलेंगे यार ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ के आया, इस बच्चे ने दिमाग में बहुत अच्छी चीज रखी हुई है कि ग्रेविटी वहां पर आपके पास जीरो नहीं होती है बच्चे में, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। और इस वजह से क्योंकि आपका स्पेस क्राफ्ट और बच्चे आप दोनों जी से नीचे गिर गए, और इस वजह से बच्चे आप फ्लोट कर जाते हो। चलो खैर ये कहानियां तो बच्चे हमारे पास चलती रहती है। अब आगे चलते हैं। नो चेंज इन द मास एकर, नो चेंज इन द मास एकर, नो चेंज इन द मास एकर। यहाँ पर बच्चे मास के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द मास एकर। चलो अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर एक लिफ्ट सिस्टम, ये बच्चे हमारे पास एक लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है, और ये पर्सन बच्चे हमारे पास किसके ऊपर बैठा हुआ है? एक विंग मशीन के ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पर बैठा हुआ, एक विंग मशीन के ऊपर बैठा हुआ, ठीक बेटा। और हमारे पास यहाँ पर एक पुली सिस्टम है, ये बच्चा हमारे पास एक पुली, इस पुली से बच्चे एक धागा या एक स्ट्रिंग बच्चे हमारे पास पर्सन के पास आ गई, और दूसरी बच्चे इस जो है लिफ्ट के साथ जुड़ी हुई, दूसरी इस लिफ्ट के साथ जुड़ी हुई है, और ये पुली बच्चे हमारे पास फिक्स है, ये पुली बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, ये बच्चा हमारे पास पूरी तरह से क्या फिक्स है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक पर्सन खड़ा हुआ है बच्चे, ये खड़ा हुआ, ठीक है बेटा। और ये बच्चे इसको खींचने की कोशिश करता है, किसको बच्चे? यहाँ पर इसको खींचने की कोशिश करता है। आदमी का वेट 60 kg का बच्चे, और हमारे पास इस पूरे के पूरे फ्रेम का इंक्लूडिंग दिस वेइंग मशीन आपका वेट है बच्चे आपके पास 30 kg, यानी कि इस बॉक्स का टोटल वेट है बच्चे आपके पास 30 kg। मुझे यहाँ पर सिचुएशन एनालाइज करनी है कि पहली चीज है बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैन जो पर्सन है, यहाँ पर बच्चे मैन जो होता है बच्चे बेयरली, मतलब बड़ी मुश्किल से बेयरली बच्चा हमारे पास कीप द बॉक्स इन इक्विलिब्रियम, कीप द बॉक्स एट रेस्ट, यानी कि ये रस्सी को पकड़ के बॉक्स को किस पे रखता है बच्चे? एट रेस्ट। ये बॉक्स को बच्चे रेस्ट के ऊपर रखता है बच्चे, ये बॉक्स को रेस्ट पे रखता है बच्चे। तो मुझे बच्चे यहाँ पर बतानी है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना बच्चे यहाँ पर दी फोर्स रिक्वायर्ड, कि ये बच्चा हमारे पास कितनी फोर्स लगाए कि ये बॉक्स बच्चे हमारे पास बिल्कुल भी ना आए। स्टार्ट कर दो। ये बच्चे पर्सन जब बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगी? शाबाश, ये बच्चे टेंशन, यहाँ पर बच्चे टेंशन, और ये बच्चे हमारे पास टेंशन। और बताओ बच्चे, ये आदमी जितना जोर लगाएगा टेंशन उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक बेटा। यहाँ पर आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है विंग मशीन की वजह से, इसकी फोर्स बच्चे 600 न्यूटन बच्चे हमारे पास अर्थ की वजह से आ रही। अब बताओ ये विंग मशीन के ऊपर या नीचे वाले फ्लोर के ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे आपके पास कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, बताओ वो फोर्स कौन सी होगी बच्चे? शाबाश बताओ, बताओ बच्चे जो फोर्स बच्चे ये बॉक्स के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है वो कौन सी होगी? 600 न्यूटन होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी, या टेंशन होगी बॉक्स के ऊपर जिस पे खड़ा हुआ?
बोलो शाबाश। रिएक्शन ये बच्चे बॉक्स के ऊपर, अब मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, इस बॉक्स के वेट के अंदर वो आदमी का वेट ऐड कर देते हैं कि आदमी अंदर खड़ा हुआ मैं बात मानता हूँ बच्चे, लेकिन बच्चे जब आप वेट ऐड करोगे तो आप 600 न्यूटन नहीं करोगे, आप नॉर्मल रिएक्शन, आप कौन सी फोर्स से उस पर्टिकुलर बक्से के ऊपर बच्चे आप उसको धक्का देना चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये कॉन्टेक्ट है बच्चे। और इसका खुद का वेट बच्चे आपके पास कितने के बराबर है, 300 न्यूटन। ठीक, मैं यहाँ पर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, बताओ क्या बन जाएगा, ये आदमी भी रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस ऑफ टेंशन टी इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 600। लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको, एन प्लस टी इज इक्वल टू 600, एन प्लस टी इज इक्वल टू 600। लग गया पता, हाँ या ना बच्चे, लग गया पता बच्चे। अब बच्चे हम बात करते हैं बॉक्स की, बॉक्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगी, एक बच्चे रस्सी की वजह से यहाँ पर टेंशन थी, और कौन सी फोर्स है, आदमी की वजह से 600 न्यूटन आएगी कि नॉर्मल रिएक्शन आएगी, सब बताओ बच्चे, नॉर्मल। इस वजह से टेंशन टी इज इक्वल टू नीचे बच्चे अब एन आएगा, 600 नहीं आएगा, प्लस ऑफ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 300। अब बच्चे ऊपर में से एन की वैल्यू कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, एन की वैल्यू किसके बराबर है, 600 माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ 300। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2t इज इक्वल टू 9, और टेंशन बच्चे यानी कि फोर्स कितने के बराबर है, 450 न्यूटन की फोर्स अगर ये लगाएगा तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये बक्सा रेस्ट करेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है बच्चे, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। जो आदमी नीचे यहाँ पर जो वेइंग मशीन है जिसके ऊपर ये आदमी खड़ा है, उसकी वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी बच्चे बताओ जरा, उसकी वेइंग मशीन क्या, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चे, शाबाश बोलो। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, शाबाश बोलो बच्चे, आपके पास किसके बराबर है, बोलो बच्चे बोलो, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन किसके बराबर है, इस आदमी जो मशीन वो किसके बराबर है, 900 है, 600 है, 9 प्लस 600 है, 9 प्लस 600 इज इक्वल टू n प्लस t किसके बराबर है, तो 150। बेटा मैं क्या, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कौन सी ऐसी फोर्स होगी जिसकी वजह से अभिषेक आप मानोगे इस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है, n है, t है, 600 है, 300 है, 450 क्या है बच्चे, n n एग्जैक्टली बच्चे, ये एन बच्चे हमारे पास रीडिंग है, सो देयरफॉर अब टेंशन टी की वैल्यू मैं पहले के अंदर डाल देता हूँ, तो एन इज इक्वल टू 600 माइनस ऑफ टी, एन इज इक्वल टू 600 माइनस 450, तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 150 न्यूटन, और देयरफॉर आदमी का वेट बच्चे कितना मेजर हो रहा है, शाबाश बोलो, 15 किलो। यह आदमी अगर अपने आप को रेस्ट पे रखता है तो फोर्स 450 न्यूटन की लगाता है, और बच्चे ऐसा करने से नीचे वेइंग मशीन के ऊपर जो रीडिंग आती है बच्चे वो कितने की आती है, 15 kg। ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास किसका है बच्चे, एचसी वर्मा, ये क्वेश्चन बच्चे एचसी वर्मा का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन मैं बार बार आपको एक ही चीज की सलाह दे रहा हूँ और वो सलाह बच्चे मानिएगा, वो ये फोर्सेस को ध्यान से देखिए, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही फ्रिक्शन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही रूट आपके पास बच्चे सर्कुलर मोशन, अगर मुझे ये बातें समझ में आती है तो वो भी आ जाएंगी बच्चे हमारे पास, उनको बच्चे यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी करने के लिए। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं, मुश्किल के बाद एक आसान क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन क्या, मेरे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास एक लिफ्ट है बच्चे, फोकस करें, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर लिफ्ट है बच्चे, और इस लिफ्ट के अंदर बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ, ये पर्सन खड़ा हुआ, इसके नीचे वेइंग मशीन, और बच्चे हमारे पास इसका वेट है एमजी के बराबर, एमजी के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन बच्चे हमारे पास एम के बराबर है, अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है किससे बच्चे, G/3 से, तो बच्चे मुझे बताना है वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, शाबाश, कौन बच्चा बताएगा, सब बढ़ जाएगी इस केस में, नहीं मेरे को बढ़ जाएगी कम हो जाएगी वो मुझे नहीं पता, मुझे ये बताना है
एन की वैल्यू क्या होगी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? एन इक्वल टू एम जी प्लस एम जी बाई थ्री। बिल्कुल, काम खत्म बच्चे। आपके पास n माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम जी बाई थ्री और n इज इक्वल टू एम जी प्लस ऑफ एम जी बाई थ्री। और बच्चा हमारा आंसर किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, 4mg/3। बस ये आंसर आ जाएगा। ये इतनी सिंपल सी चीजें हैं बच्चे, इतनी सिंपल चीजें हैं। अब आपको बच्चे अपनी पूरी ताकत लगा देनी, पूरी की पूरी, मतलब एक भी कसर नहीं छोड़नी। आप एरिडोव करना चाहते हो बता देना, आप एच सी वर्मा करना चाहते हो बता दीजिए बच्चे, आप कोई और बुक करना चाहते हो बच्चे बता दीजिए, लेकिन बच्चे आप करते रहिए, चाहे अरिहंत उठाओ चाहे डीसी पांडे उठाओ, लेकिन करते रहो, पीछे नहीं हटना बच्चे। अब बच्चे आपको पूरी जान लगा देनी है और पीछे नहीं हटना बच्चे। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब बच्चे हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं बच्चे, और कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारे पास पसूडो फोर्स। इसका बच्चे पसूडो, पसूडो नहीं है स्यूडो, स्यूडो। ये बच्चे हमारे पास स्यूडो यानी कि फॉल्स, यानी कि बच्चे हमारे पास एपरेंट, ये बच्चे हमारे पास एपरेंट है। एक मिनट रुकेगा यार, एक मिनट रुकेगा। जाती है बच्चे स्यूडो और दी फॉल्स और दी एपरेंट फोर्स, ये क्या है, ये कहां पर आती है बच्चे और किस पे लगती है? याद रखना बच्चे हमारे पास एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर एक स्यूडो फोर्स लग जाती है। अगर बच्चे अगर मेरे पास एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेटिंग फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है बच्चे, एक्सेलरेटिंग फ्रेम का जो बच्चे हमारे पास ऑब्जर्वर होता है, वो बच्चे हमारे पास क्या करता है, वो अपने आसपास, याद रखना बच्चे अपने आस और पास, अपने आसपास बच्चे वो क्या करता है, अपने आसपास चीजों में एक्सेलरेशन देखता है, चीजों में अपनी एक्सेलरेशन देखता है, अपनी एक्सेलरेशन देखता है। हाँ ना बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है आगे चलकर। यानी कि अगर कोई भी पर्सन एक पेड़ के पास से गुजरे, मान लिया जाए कि ये पेड़ है, हमको भी पता है कि ये पेड़ रेस्ट के ऊपर रहता है बच्चे हमारे पास, लेकिन जैसे कोई पर्सन यहाँ पर एक कार से गुजरा बच्चे हमारे पास यहाँ पर, और कार की एक्सेलरेशन थी 5 m/s, तो बताओ कार वाले को ये पेड़ कैसे नजर आएगा? कार वाले, ये कार वाला एक्सेलरेट कर रहा है, क्या इसको एक्सेलरेट होता नजर आएगा या फिर बच्चे हमारे पास रेस्ट पे नजर आएगा या अपने साथ जाता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है बच्चे आपको? अपने साथ जाता हुआ। शाबाश, उल्टे डायरेक्शन में। साथ साथ किसके जाएगा भाई? अभी गाड़ी निकाल और बच्चे यहाँ से अमृतसर जा, रास्ते में जितने पेड़ होंगे बच्चे उसको गिनता जा, वो तेरे साथ चल रहे कि पीछे चल रहे?
अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ चल ठीक है, ये बच्चे यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। अब मान लो कि मास ऑफ ट्री एम है, तो इस गाड़ी वाले को बच्चे फोर्स जो नजर आएगी, बच्चे जो फोर्स बच्चे आपके पास नजर आएगी वो फॉल्स होगी। पेड़ पे ये बोलेगा कि पेड़ पे शायद कोई फोर्स लगी है कि पेड़ यहाँ से पीछे चला गया, ऐसा बोल सकता है ना, आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि उसने यही ऑब्जर्व किया कि पेड़ पीछे भागा, एक्सेलरेट हुआ। और अगर मास है ट्री के पास तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। मास ऑफ ट्री इंटू बच्चे फाइव, ये जो फोर्स होगी वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप गाड़ी को रोक दोगे तो पेड़ भी रुक जाएगा। तो ये जो फोर्स आप कैलकुलेट करते हो ये स्यूडो फोर्स, ये आपके आसपास है। अभी आप अपने कमरे को छोड़ के बाथरूम की तरफ को जाओगे तो सारी चीजें कहाँ पर चलती हैं, आपसे पीछे की तरफ को आती कि आपसे आगे की तरफ को चलती हैं? शाबाश, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। आपका स्टडी टेबल, आपकी किताबें आपके साथ चलती कि पीछे चलती हैं? यार बता तो दो यार, कुछ भी है ना, पीछे पीछे चलती हैं। तो ये स्यूडो फोर्स है आपके, ये स्यूडो फोर्स है कुलताज, ये पीछे चलती है। और यहाँ पर इस ऑब्जर्वर को कौन पर्सन गलत बताएगा, मैं बताता हूँ। एक पर्सन जो रेस्ट के ऊपर है वो इस पेड़ को कैसे देखेगा, बच्चे बताओ, रेस्ट पे देखेगा कि मोशन पे देखेगा, बोलो रेस्ट पे, रेस्ट पे। और एक और पर्सन है बच्चे जो गाड़ी यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में चला रहा है, एक और पर्सन है जो गाड़ी को बच्चे इस डायरेक्शन में चला रहा है और इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये स्पीड को कहां पर जाता हुआ दिखेगा, बोलो बच्चे, उल्टी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। तो भाई अब यहाँ पर पंगा है ना बच्चे, ये तो ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, यानी कि आपने जिसको जैसा देखा आपको बच्चे वो चीजें वैसी नजर आएंगी। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे हो तो आप सभी लोगों को अच्छा मानते हो, अगर आपके अंदर थोड़ा खोट है तो आपको लगता है अरे यार ये मैं झूठ बोलता हूँ, ये पर्सन भी झूठ बोल सकता है। तो मतलब वैसी चीज है बच्चा, तो जैसा आप देख रहे हो आपको वैसा नजर आएगा। इसके लिए सूडो फोर्स अलग, ये बोलता है फोर्स ही नहीं है, तो ये बच्चा हमारे पास बोलता है फोर्स है। तो यानी कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन के ऊपर, किसकी एक्सेलरेशन पे बच्चे, ऑब्जर्वर के। इस वजह से इसको हम फॉल्स फोर्स बोलते हैं, अपेरेंट फोर्स बोलते हैं। ये फॉल्स फोर्स बच्चे इतनी इतनी बच्चे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। और ये कैसे लगती है, हमारी जो अर्थ है बच्चे वो भी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ये दो तरह से एक्सेलरेट कर रही है, सन के आसपास भी एक्सेलरेट कर रही है बच्चे हमारे पास, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये अपनी एक्सेस पे भी रोटेट कर रही है। और सूडो फोर्स का असर क्या होता है, हम बोलते हैं कि हम 1 रुपए का सिक्का अगर गिराते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है, लेकिन अगर आप इसको बहुत बहुत ज्यादा हाइट से गिराओगे तो ये, और हवा भी नहीं चल रही, सब कुछ रुका हुआ है, तो ये सिक्का कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, ये स्लाइटली बच्चे आपके पास यहाँ की तरफ को चला जाता है। स्यूडो फोर्स की वजह से नदियों की डायरेक्शन बनती है, पता आपको बच्चे, अगर आप बच्चे गंगा को देखो तो अर्थ के ऊपर गंगा कहाँ की तरफ को जाती है, वो स्ट्रेट नीचे की तरफ को जाती है कि ऐसे करके बच्चे बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती है, ऐसे ये ऐसे है बच्चे। हाँ आज आप एक और चीज, आप ये बिल्कुल सही है बच्चे, और जो साउथ की तरफ जो नदियां बच्चे वो कैसे जाती हैं, वो ऐसे चली जाती है, एक दो एक्सेप्शंस हैं बच्चे लेकिन ये ऐसे जाती है। सूडो फोर्स की वजह से आप इक्वेटर लाइन पे स्ट्रेट नहीं चल सकते, जैसे आप स्ट्रेट चलोगे आप गिर जाओगे इधर या इधर। सूडो फोर्स की वजह से आपके सिंक के अंदर जो पानी है बच्चे, अगर बच्चे यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमता है तो बच्चे साउथर्न हेमिस्फेयर में ये बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और इक्वेटर पे ये बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ को चला जाता है। ये बहुत सारी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, क्यों, इंटरेस्ट इससे जनरेट होता है, आपने सिर्फ रट्टा लगाया, रट्टा नहीं लगाना उसको समझना बच्चे, उसको बच्चे आपने यहाँ पर समझने की कोशिश करनी। अब देखो सूडो फोर्स को बनाते कैसे हैं और समझते कैसे, फोकस करना। हमारे पास यहाँ पर बच्चे इस तरीके से ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये बच्चे एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जो कि इसके ऊपर रखी हुई है। अब एक बात बताओ, जैसे गाड़ी एक्सेलरेट होती है आप कहाँ की तरफ को जाते हो, आगे की तरफ को गिरते हो कि पीछे की तरफ को गिरते हो, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। अब आपको तो किसी ने धक्का मारा आपको, बच्चे बताओ जरा, आपको किसी ने धक्का मारा आप अपने आप पीछे कैसे चलेंगे, क्योंकि आप एक स्यूडो फोर्स लग रही है, ऐसा लगता है कि, और ग्रेविटी का भी ये रिजल्ट है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटी का भी सेम सेम इम्पैक्ट है बच्चे,
बोलो बेटा। सर उसमें मतलब कार की एक्सेलरेशन में जो पीछे पुश लगता है वो इसलिए नहीं कह सकते कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब देखो आप कहने के लिए बहुत सारी चीजें कह सकते हो। छोटी क्लासेस के अंदर बच्चों को ये बता दिया जाता है कि जो हमारे पास सन के आसपास हमारे प्लेनेट का ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, तो लोग मान लेते हैं और बच्चे, लेकिन एक्चुअल तो बच्चे इलिप्स है बच्चे हमारे पास। लोग ये भी मान लेते हैं कि बच्चे जो मरकरी है उसकी उसकी मोशन भी सर्कुलर है। आपको पता है कि मरकरी की मोशन सर्कुलर नहीं होती है, जलेबी की तरह होती है वो, जलेबी जलेबी की तरह बच्चा हमारे पास घूमता है, प्रोसेस करता है बच्चा, वो हमारे पास लट्टू की तरह घूमता हुआ जाता है। तो बच्चे इस वजह से बच्चा आपको जो छोटी क्लासेस में बताया गया अब हम उससे आगे निकल गए। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो आपने बोली वो अच्छी बात है, छोटी क्लासेस के बच्चे इससे इंप्रेस हो जाते हैं। अब बच्चे जैसे कार को ब्रेक लगती है आप कहाँ की तरफ को माथा टेकते हो बच्चे? सामने की तरफ को माथा, सामने की तरफ। तो आपको किसी ने पीछे से धक्का मारा नहीं, सभी आगे की तरफ को देखते, स्यूडो फोर्सेस। आपको ऐसा लगता है कोई आपको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। और आइंस्टीन ने बोला ये चीज ग्रेविटी की तरह भी काम कर रही है, ग्रेविटी कुछ ऐसे ही है। उसने बोला बोला कैसे, बोला जैसे आप के बाहर से पर्सन को देखो तो आप ये बोल सकते हो ना कि सीट ने आप पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाई और आप सीट से चिपक गए। अगर वो कार लगातार एक्सेलरेट होती रहेगी तो क्या आप अपने आप को सीट से अलग कर लोगे बच्चे? बताओ जरा मुझे। आप कभी ट्रेन में देखना, ट्रेन में जब बच्चे लगातार ब्रेक लगती है ना आप सीट से चिपक जाते हो। आप बच्चे जितनी मर्जी कोशिश करो सीट से अलग नहीं हो सकते, ऐसा लगता है कि सीट ने आप पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाई। कहीं ग्रेविटी भी तो इसका कॉज नहीं है? कहीं ग्रेविटी भी तो ऐसे आती आती नहीं है बच्चे? आंसर अननोन है, क्योंकि आइंस्टाइन इसी थ्योरी पे काम कर रहा था जब उसका मन उठ गया था और फिर बच्चे उसने इस थ्योरी को अबेंडन कर दिया था, लेकिन इस थ्योरी पे काम हो सकता है। क्या चलते हैं बच्चे, याद रखना अगर ये आगे की तरफ को एक्सेलरेट होती है और मास बच्चे एम वन है ये एम टू है तो ऊपर वाले पे बच्चे अब नॉर्मल रिएक्शन एन आ रहा है, नीचे एम टू जी आ रहा है। अब बताओ M2 की वजह से नीचे M1 पे आप कौन सी फोर्स लगाओगे? M2 लगाओगे कि नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे? बोलो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, बस ये समझना, यही बच्चा आपको सक्सेस दिलाएगी। और इस पे सूडो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी बच्चे हमारे पास? पीछे की तरफ, क्योंकि ये आगे जा रही है तो बच्चे सूडो फोर्स क्या लग जाएगी? M2। सर जी बोलो। शाबाश, वेरी गुड। सर इसमें मतलब सूडो फोर्स लगती है इसलिए हम ऊपर मतलब जब भी कोई कार के ऊपर बैग रखते हैं तो उसको रस्सी से बांध देते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, क्योंकि सूडो फोर्सेस उसको बच्चे हटाने की कोशिश करती है। तो हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि अगर आप बैग, अब बच्चे आप अपने आप को सीट के साथ बच्चे कस के बांध लो स्क्रू पेच बच्चे अपने, तो आप जितनी मर्जी ब्रेक लगा लो आप लोगे नहीं, क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। सूडो फोर्स उसके ऊपर लगती है जो सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं तो अगर ये कमरा एक्सेलरेट होगा तो सूडो फोर्स मेरे पे लगेगी, सूडो फोर्स बच्चे किताबों पे लगेगी क्योंकि वो कमरे से अटैच नहीं है, सोफे पे लगेगी, मेज पे लगेगी, लैपटॉप पे लगेगी, पेन पे लगेगी, लेकिन बच्चे सूडो फोर्स कभी भी ट्यूबलाइट पे नहीं लगेगी, पंखे पे नहीं लगेगी क्योंकि वो कमरे से अटैच है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर जो भी चीजें अटैच हो जाती है उन पे सूडो फोर्स नहीं लगती। चलिए अब बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बच्चे, और आप इसको एक बारी पढ़ लीजिएगा और मैं फिर आपको बोलूंगा। वरुण पाजी क्या हाल चाल? बढ़िया सर। यार तू यार बात बूत करके तू तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया, ठीक है? हाँ मतलब क्या अब भूल भाग गया? हाँ क्या क्या सर? अभी क्लास के लिए अभी उठा था इसलिए। अरे शाबाश, कोई बात नहीं, चल बहुत बहुत खराब है तेरा टीचर, सुबह सुबह क्लासे लगा देते हैं, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को बता देना कहाँ पर उसका एड्रेस, फिर संभाल लेंगे उसको, ठीक है? चल ओके बाय बाय बाय।